गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के 3 मार्क्स के प्रॉब्लम्स. सो लेट्स स्टार्ट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे मैं पहला जो प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाला हूँ वो है टैन इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan inverse of 3x equal to pi by 4. So मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है. मतलब मुझे x की वैल्यू क्या है मुझे फाइंड आउट करना है. ये मेरी यहाँ पे इंटेंशन है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला की जरूरत होगा. मैं यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी, ठीक है, उस फॉर्मूला में यहाँ पे लिखूंगा. इसको थोड़ी चेंज करता हूँ. यहाँ पे फॉर्मूला जो है टैन इनवर्स, हमें इस फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, आप इसे याद रखो. टैन इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला है टैन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट एक्स प्लस वाई होल डिवाइडिंग बाय 1 - xy. आई यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है. So now apply that formula here. So ये बनेगा tan inverse of bracket, ये 2x formula लगा रहा हूँ, ये formula यहाँ पे बनेगा 3x और यहाँ पे 1 minus ये 2x और ये 3x. x plus y की formula मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये है pi by 4. मैं formula क्यों डालूँ, यहाँ पे लिखा हूँ reason. Fine. So ये जो tan inverse है इधर ले जाओ. तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 3x में पे डायरेक्ट लिखता हूँ, 5x बचेगा और यहाँ पे आएगा 2x इंटू मतलब 6x² आएगा. तो इक्वल टू यहाँ पे जब tan इनवर्स ऑफ इधर आएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे पाई बाई 4. इस 5x को मैं ऐसे लिखता हूँ 1 - 6x² इक्वल टू tan पाई बाई 4 इज 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी. अब इसको इधर भेजो तो ये बनेगा 5x डिवाइडिंग बाय, सॉरी, इसको इधर भेजने पर 1 - 6x² बनेगा. इधर भेज दो -6x², इधर आने पर 6x² बनेगा. यहाँ पे प्लस 5x है और यहाँ पे -1 + 1 - 1 आएगा. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है. मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म माइनस में, यहाँ पे माइनस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म लूंगा तो ये बनेगा -6x². यहाँ पे स्प्लिट करने पर क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे 6x², ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर मुझे -6x² चाहिए. तो उस तरह का मुझे नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और ऐड और माइनस करने पर मुझे 5x चाहिए. फाइन, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 6x लेता हूँ, यहाँ पे x लेता हूँ. तो इससे क्या करो, प्लस करो यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लाई करने पर -6x² होगा और प्लस और माइनस करने पर मुझे 5x आएगा, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ 5x मैं यहाँ पे लिखता हूँ +6x - x, यहाँ पे -1 = 0. ये दोनों के बीच में की कॉमन क्या है, 6x है, मैं लिख लेता हूँ. यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1. ये दोनों में कॉमन, मैं यहाँ पे -1 लेता हूँ. यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, क्योंकि माइनस ले रहा हूँ तो पूरे पे साइन बदल दिया जाएगा. ये दोनों में कॉमन जो है उसे ले लेंगे हम. x प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 6x - 1 = 0. आप देख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा. सॉरी, किसको मैं लेता हूँ, 6x - 1 = 0. तो इसका मतलब x इक्वल टू बन गया यहाँ पे -1, ठीक है, और यहाँ पे भी 6x = +1, तो x बन गई = 1/6, ठीक है. आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो माइनस वैल्यू अगर यहाँ पे डालोगे, मेन क्वेश्चन में डालोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इट गिव्स नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू. इसकी हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू -1 डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन. ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज आप -1 यहां पे डाल के देखो सेटिस्फाई नहीं होगा. इसीलिए x इक्वल टू हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, x की वैल्यू जो है x इक्वल टू 1/6 होगा. तो ये 3 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है,
ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आप चाहते हैं भी इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सब मैं दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये दूसरी प्रॉब्लम जो है tan इनवर्स ऑफ a cos x, a cos x माइनस b sin x, ये थोड़ा स्पेशल प्रॉब्लम है और यहाँ पे होगा b cos x प्लस a sin x दिया हुआ है। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन कंडीशन भी दिया रहेगा हमेशा। इसका जो कंडीशन जो है, इफ a बाई बी टैन एक्स जो है यहाँ पे, ये हमेशा माइनस वन से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन है तो हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं लाइन को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन। अब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, यहाँ पे देखिए a बाई बी जो दिया है tan x को, मैं इसे कैसे लिखता हूँ, a बाई बी tan x का मतलब होता है sin x डिवाइडिंग बाई cos x। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जो भी यहाँ पे रहता है इसे हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए tan इनवर्स ये जो भी है वैसे लिखना है मुझे, a cos x मुझे इससे ही डिवाइड करना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो रहेगा उससे ही डिवाइड करना है हमेशा। b cos x माइनस b sin x कर रहा हूँ तो मुझे इससे ही डिवाइड करना है, वो है b cos x होल डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे b cos x करना है तो डिवाइडिंग बाय b cos x। ठीक है, प्लस a sin x जो भी है वैसे ही लिख लो, हमें नीचे क्या करना है यहाँ पे b sin x को लिखना है। ठीक है, और ये cos x कैंसिल और ये कैंसिल, जो भी कैंसिल होगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे होगा a बाई बी माइनस ये b भी कैंसिल, ये बन गया tan x, क्योंकि sin x पे cos x tan x होगा, फाइन। और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, प्लस a बाई बी होगा sin x बाई sin x, वो ना मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे cos x होना चाहिए। ठीक है, सॉरी cos x होना चाहिए, डिवाइड बाई b cos x करना था, कर लिया, तो ये बनेगा tan x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें ये फार्मूला पता है, हमें tan इनवर्स ऑफ x होता या माइनस tan इनवर्स ऑफ y होगा, तो हम इसकी फार्मूला कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स करके, ठीक है, x लिखना है माइनस y डिवाइडिंग में 1 प्लस एक्स वाई कर देते, हमारा फार्मूला है। ठीक है, मैं ये था तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ये जो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स पहला जो भी यहाँ पे लिखना, पहला यहाँ पे क्या a बाई बी है, उस a बाई बी को लिख लो, फिर क्या करना है मुझे tan इनवर्स a बाई बी लिख के माइनस, ठीक है, फिर tan इनवर्स लिखना है, फिर मैं tan इनवर्स लिखता हूँ, यहाँ पे जो भी y रहता है हम यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे मतलब y क्या है tan x है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan x, मतलब क्या होगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस ये tan इनवर्स ऑफ tan बाई प्रॉपर्टी चला जाएगा, बच जाएगा x। तो ये जो हम करें ये है इसकी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इसको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कर लो, ये भी बहुत बार पूछा गया था, मैं और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैं आपको बता दूंगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है। अभी कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं दोबारा भी समझाऊंगा। फाइन, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन, पेज नंबर 3, लेट्स ऐड। ठीक है, हो गया। मैं जो तीसरा प्रॉब्लम पे जो समझाने जा रहा हूँ वो है tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय x प्लस 2, x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय x प्लस 2, x है रुको, ठीक है, इक्वल टू ये है pi डिवाइडिंग बाय 4। हमें इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है, इसे ना सॉल्व करना है। ठीक है, बोलेगा ये सॉल्व फॉर x, मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
ये मुझे फार्मूला पता है, यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ मैं, क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई, इसकी जो फार्मूला होगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैन इनवर्स ऑफ, ये होगा एक्स प्लस वाई होल डिवाइडिंग पे वन माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला है, मैं यही यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, टैन इनवर्स, फाइन थोड़ा आराम से बताएंगे, पहला वाला एज इट इज, आई होप यही क्वेश्चन ही फाइन, प्लस यहाँ देखो टैन ऑफ एक्स, एक्स लिखा हूँ बाद में प्लस लिखे वाई, ये वाई है, इस वाई को मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस वाई को मैं यहाँ पे लिखूंगा होल डिवाइडिंग बाय, बाद में वन लिखना है माइनस करना है, वन माइनस एक्स लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये हो गया हमारा, ठीक है एक्स, बाद में मुझे ये लिखना है वाई, वाई का मतलब ये समझो कि ये पूरा एक्स है और ये पूरा वाई है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाय फोर, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैन इनवर्स, थोड़ा स्पेस की ये हो जाएगी इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे ना डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स माइनस टू होगा और यहाँ पे एक्स प्लस टू होगा, और इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे ये बनेगा एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स प्लस, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल से कर लो, और इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, मैं वो करूँगा एक्स माइनस टू बनेगा और यहाँ पे बनेगा एक्स प्लस वन, फाइन यहाँ पे हो गई होल डिवाइडिंग पे, यहाँ पे भी वन रहेगा, ठीक है हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर, ये मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर को वही आएगा एक्स माइनस टू आएगा और यहाँ पे एक्स प्लस टू आएगा, ठीक है फोर नहीं है एक्स प्लस टू है, ठीक है कन्फ्यूज मत हो जाओ, तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा एक्स माइनस टू और यहाँ पे बनेगा एक्स प्लस टू माइनस यहाँ पे है एक्स माइनस वन और इधर आई विल राइट एक्स प्लस वन और यहाँ पे इसको ना पाई बाय फोर एज इट इज लिख लो, ये डिनोमिनेटर चला गया, फाइन वहाँ पे चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू टैन इनवर्स लिखूँगा, इसे मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस टू एक्स, ये पे माइनस इंटू प्लस माइनस वन इंटू एक्स एक्स फिर माइनस इंटू प्लस माइनस वन टू जे टू, फाइन और यहाँ पे इसी तरह इसे करो एक्स इंटू एक्स बनेगा एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ यहाँ पे करोगे तो एक्स प्लस एक्स बनेगा एक्स एक्स वन जे एक्स यहाँ पे माइनस टू एक्स बनेगा यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस टू, ठीक है प्लस इंटू माइनस माइनस टू वन जे टू होल डिवाइडिंग बाई यहाँ पे बचा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला डालता हूँ यहाँ पे देखो ए प्लस बी या जब भी आप ए माइनस बी देखोगे तो इसकी फार्मूला क्या करना है ए रखना है स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है फाइन यहाँ पे क्या है देखो एक्स माइनस टू है यहाँ पे एक्स प्लस टू है मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिखूंगा यहाँ पे ये बनेगा हमारे यहाँ पे ना स्टेप्स बचेंगे लिख सकते हैं माइनस ठीक है यहाँ पे माइनस ब्रैकेट इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का मतलब सिर्फ वन ही होगा फाइन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट मिनट थोड़ा इसको ना उठा देंगे ऐसा ना 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 फाइन ठीक है हाँ राइट होगा ऐसा फाइन मैं इसे क्या करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू टैन इनवर्स देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर है ये बन गया टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस टू एक्स है और यहाँ पे माइनस टू एक्स है देख रहे हैं प्लस टू एक्स है और यहाँ पे माइनस टू एक्स है ये दोनों चला जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स है और यहाँ पे प्लस एक्स है ये और ये चला जाएगा अपोजिट से चला जाते हैं तो बच गए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये टू एक्स स्क्वायर बन गया माइनस टू और माइनस टू सेम है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस फोर बन गया और इसको थोड़ी सिंप्लीफाई करता हूँ एक्स स्क्वायर होगा इधर पाई बाई फोर है फॉरगॉट टू राइट सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा प्लस वन ठीक है इक्वल टू पाई डिवाइडिंग में फोर अब इसको इधर ले जाओ अभी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ टू एक्स स्क्वायर हुआ माइनस फोर है होल डिवाइडिंग में प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल यहाँ पे होगा माइनस थ्री इक्वल टू पाई बाई नाइन
इधर टैन आने पर टैन होगा टैन पाई बाय फोर, फाइन टैन पाई बाय फोर उसे उठाएंगे थोड़ा. तो अब देखो ये टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऐसे ही रहने, ये वन बनेगा माइनस थ्री है, ठीक है इधर ले जाओ. ये क्या होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इधर जाने पर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री वन जो माइनस थ्री, ठीक है टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस थ्री है माइनस फोर इधर आने पर प्लस फोर हो जाएगा. इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर इज वन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वन डिवाइडिंग बाई टू, तो x इक्वल टू बन गया प्लस और माइनस वन डिवाइडिंग बाई रूट टू. ये जो वैल्यू है ये आपकी वैल्यू, यू हैव टू डू दिस. थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए यहाँ पे, बस वीडियो बहुत ही मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा. सो नेक्स्ट फिर अभी दो तीन इंपॉर्टेंट वो भी डालूंगा. अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और आपके दोस्तों को भी बता दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए. और यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आके मतलब मैथमेटिक्स के मैं यहाँ पे क्या प्लेलिस्ट में मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ पे जाके ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको सॉल्व करें. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.